Assalamu alaikum, I'm your GKS teacher. Today our topic is My Shapes, which is on skill booster page number 27. तो इस टॉपिक को समझते हुए हमारे जो स्किल्स यूज होंगी वो हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन. हियर वी हैव सम एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स. द फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई अ वैरायटी ऑफ आर्ट टूल्स. हमने डिफरेंट आर्ट टूल्स को यूज को बताना है, आइडेंटिफाई करना है. आर्ट टूल्स इस जगह पर हम ये कहते हैं कि पेंसिल कलर्स होते हैं, मार्कर्स कलर्स होते हैं, पोस्टर कलर्स होते हैं, ये आर्ट टूल्स हो गए. ब्रशेज़ होते हैं, स्पॉन्जेज होते हैं जो कि हम आर्ट के लिए यूज़ करते हैं. मटेरियल टेक्निक्स एंड डेमोंस्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर सूटेबल एंड सेफ यूज ब्रशेज, फिंगर्स, स्पॉन्जेस फॉर पेंटिंग, मार्कर्स, पेंसिल, क्रियोन्स फॉर ड्राइंग, मॉडलिंग क्ले फॉर मेकिंग स्कल्पचर्स. यानी हमने एक सूटेबल वे में इन चीज़ों को यूज़ करना है. ब्रशेस को हम कलर, इस चीज़ को कलर करने के लिए ब्रशेस का यूज़ कर सकते हैं, फिंगर्स का यूज़ कर सकते हैं, स्पॉन्ज का यूज़ करता है कर सकते हैं, मार्कर्स का और पेंसिल्स कलर्स का, क्रियोन्स का, मतलब हम किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं इसमें. द सेकेंड वन इज रिकोगनाइज नेम एंड ड्रॉ टू डायमेंशनल शेप सच एज सर्कल, ओवल, स्क्वायर, नंबर ऑफ साइड्स, कर्व्स ऑफ स्ट्रेट. तो हम यहाँ पर हमें क्या करना है, हमने शेप्स को ड्रॉ करना है. जो कि शेप्स हमें यहाँ दी गई हैं, नीचे मेंशन की गई है, सर्कल, ओवल, स्क्वायर. हमने तीन शेप्स बनानी हैं तो हमें यहाँ पर तीन शेप्स का नेम दिया गया है. हेयर इज अ नोट फॉर पेरेंट्स. डियर पेरेंट्स, वॉच द गिवन वीडियो एंड हेल्प योर चाइल्ड टू कम्प्लीट द गिवन टास्क एंड एक्टिविटी. तो पेरेंट्स से क्या कहना है कि एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है या वीडियो वॉच करनी है, उसके बाद बच्चों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करनी है. और हेयर इज़ अ क्यू आर कोड, यू कैन स्कैन फ्रॉम हेयर. तो हमें यहाँ पर जो तीन बॉक्सेस दिए गए हैं, हमने इसमें तीन डिफरेंट शेप्स बनानी है. तो यहाँ मैंने शेप्स ड्रॉ कर दी हैं, अब हम इसमें कलर्स करेंगे. फर्स्टली मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. दिस इज़ अ सर्कल, इट हैज़ नो साइड्स एंड नो कॉर्नर्स, इट इज़ राउंड एंड राउंड. ये राउंड राउंड है, गोल गोल है, इसकी कोई साइड्स नहीं है, कोई कॉर्नर्स नहीं है. दिस वन इज़ रेक्टेंगल, इट हैज़ फोर साइड, फोर डिफरेंट साइज. इनकी साइड्स का जो लेंथ है या वो इक्वल नहीं है. सामने वाली दो लाइंस जो हैं वो इक्वल साइज़ की हैं और साइड्स की जो दो लाइंस हैं वो भी इक्वल साइज की हैं. अब हम चलते हैं हमारी थर्ड शेप की तरफ, विच इज़ ट्राइंगल. तो इट हैज़ थ्री साइड्स एंड कॉर्नर्स और इनकी लेंथ भी साइड्स की लेंथ इक्वल है और थर्ड वाली लाइन की भी इक्वल साइड है. अब हम इसको कलर करते हैं. सबसे पहले हमने सर्कल को स्पंज के थ्रू कलर करना है. हेयर इज आई हैव स्पंज, आई विल डिप इन अ पोस्टर कलर, इन रेड पोस्टर कलर. तो हमने इसको बहुत ही केयरफुली स्पंज को शेप में डिप करना है कि ये कलर्स बाहर स्प्रेड ना हो जाएं. तो मैंने अपनी कलर्स डन कर ली हैं स्पॉन्ज की हेल्प से. आई होप कि आपको ये एक्टिविटी बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और आप अपने टास्क को भी अच्छी तरह से फिनिश करेंगे. अल्लाह हाफिज़.